أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Islam wo khushbu hai jo puri duniya mein tezi ke saath phail rahi hai. इस्लाम वो महक है जिसे जितना दबाओगे उतना ही वो महकेगी, उतना ही वो पूरी दुनिया के अंदर चमकेगी। आज पूरी दुनिया में इस्लाम को मिटाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुबारक ज़िंदगी के अंदर 1450 साल पहले ही ये बयात अपनी ज़बान मुबारक से बयान फरमा दी थी कि एक ज़माना ऐसा आएगा कि जिसके अंदर इस्लाम हर कच्चे और पक्के घर में दाखिल होकर रहेगा। और अब ऐसा ज़माना आ चुका है कि आज दुनिया के हर इलाके में, हर जगह अल्लाह ताला का नाम लेने वाले, उसको अपना माबूद समझने वाले और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का सच्चा रसूल मानने वाले मौजूद हैं। उन्हीं लोगों में से एक हैं फ्रांस की मशहूर एक्ट्रेस मेरिन अलहिमर, जिन्होंने इस्लाम को पढ़ा और उसकी खूबियों को जानने के बाद वो उसे कबूल किए बिना नहीं रह पाई, उसे एक्सेप्ट किए बिना नहीं रह पाई और उन्होंने इस्लाम को कबूल कर लिया। फ्रांस, जहां इस्लाम को टारगेट किया जाता है, इस्लाम के अहकाम पर अमल करने से रोका जाता है, वहीं की मशहूर हस्ती मेरिन अलहिमर को अल्लाह पाक ने इस्लाम जैसी कीमती दौलत से नवाज दिया। ये अल्लाह पाक का कितना बड़ा करम है और ये इस्लाम के सच होने की बिल्कुल दलील है कि इस्लाम हर ज़माने में बुलंद रहा है, क़यामत तलक बुलंद रहेगा। जितना इसको दबाया जाएगा, जितना इसको लोगों से छुपाया जाएगा, अल्लाह ताला इसकी फिजा को इतना ही आम कर। मेरिन अलहिमर जहाँ एक मशहूर एक्ट्रेस हैं, मॉडल हैं, तो वहीं उनकी फैंस फॉलोइंग भी काफ़ी अच्छी है। इंस्टाग्राम पर 1.5 मिलियन फॉलोवर्स उनके हैं, बहुत सारे लोग उनके चाहने वाले हैं। आइए अब उनकी वो वीडियो देखते हैं कि जिसके अंदर उन्होंने कलिमा तैयबा पढ़कर, कलिमा इस्लाम पढ़कर इस्लाम को एक्सेप्ट किया। أن محمدا عبده ورسوله. मेरे अजीज भाई और प्यारी बहनों, मेरिन अलहिमर का इस्लाम कबूल करना जहां हम लोगों के लिए खुशी की बात है, तो वहीं एक बात भी हम अच्छी तरह से समझ लें कि हम अपने अखलाक को पाकीज़ा बनाएं, क्योंकि मेरिन अलहिमर ने इस्लाम को समझा, उसको पढ़ा, इस बिना पर इस्लाम के अंदर दाखिल हुई हैं। हमारे अखलाक को, हमारे नेचर को देखकर उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया। आज हमारे अखलाक बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए, तो हम मुसलमान भाई और मुसलमान बहनें सब अपने अखलाक को भी पाकीज़ा बनाएं, जैसा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक थे, ऐसे हम अपने अखलाक बनाएं। अगर हमारे अखलाक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक जैसे पाकीज़ा होंगे, तो फिर और तेज़ी से इस्लाम पूरी दुनिया में फैलेगा। इस क्लिप को शेयर कीजिएगा दूसरों से भी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।